बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतमाद के साथ फरोख करने में तीन अहम अंसर क्या है? ये स्मार्ट सेलिंग तकनीक नंबर 7 है जो कि मैं आपके साथ दिसंबर में लेके चल रहा हूँ, इस हवाले से कि आपकी फरोख्त को बढ़ाया जाए। अगर आपकी फरोख्त बढ़ेगी, डेफिनेटली बात है आपके टारगेट्स पूरे होंगे, आपकी आपका जो है ना वो आने वाले वक्त के लिए आप प्रमोशन में जा सकेंगे, आप का जो है ना वो अलाइड फैसिलिटी में जा सकेंगे, आपको 3.45 में जा सकेंगे, मुख्तलिफ कॉन्टेस्ट हैं वो कन्वेंशन क्वालिफाई कर सकेंगे, मल्टीपल चीजें हैं जो कि आपकी पूरी होनी है। तो इस हवाले से मैं कहूँगा पूरा एतमाद के साथ काम करें, पूरे एतमाद के साथ लड़ें, तो पूरे ट्रस्ट आपके अपने ऊपर होना चाहिए। इसके हवाले से मैं आपको तीन ऐसे टेक्निक्स देने वाला हूँ कि आप खुश हो जाएंगे कि और इंशाअल्लाह आपका काम बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। सबसे पहले गौर करें तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं सेलिंग विद द ट्रस्ट में। जो टॉप लेवल के लोग होते हैं, जो ग्रेटेस्ट पीपल होते हैं, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो सबसे पहले जो है ना वो जेन्युइन ट्रस्ट बिल्डिंग करते हैं नंबर वन, और सेकंड नंबर पे वो लेते हैं प्रोडक्ट एंड नॉलेज को। सेकंड नंबर पे प्रोडक्ट एंड नॉलेज और पहले नंबर पे ट्रस्ट। जब तक मैदान में आपका ट्रस्ट नहीं बनेगा तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। नंबर वन पोजिशन पे मैं लेना चाहूंगा लर्न अबाउट द बायर एंड देयर बिजनेसेस। रिमेंबर, अगर बायर को आप मालूम ही आपको नहीं है और के बिजनेस का नहीं पता, तो किस तरीके से बड़ी पॉलिसी सेल करेंगे? आज करोड़ों की पॉलिसी अरबों रुपए पे जा रही है, करोड़ों की पॉलिसी मिलकर 24 करोड़ की पॉलिसी सेल हुई अभी लास्ट 2 दिनों पहले, फिर दोबारा 1 करोड़ रुपया प्रीमियम आया हमारे पास, इसके बाद 1 करोड़ 32 लाख प्रीमियम आया, इसके छोटे छोटे प्रीमियम तो 25 लाख 20 लाख 30 लाख तो आराम से आ रहे हैं। लेकिन अंडरस्टैंड करने की बात है कि यू शुड लर्न अबाउट योर बायर, जिसको बेचने जा रहे हैं, और उनके बिजनेस के बारे में मालूम करना है। आपको एक 94% सर्वे हुआ है जिसमें वह कहते हैं कि टॉप सेलर जो है ना वो सोशल वर्क नेटवर्क को यूज करते हैं। सोशल नेटवर्क का मतलब ये है दे गेन द इनसाइट इनटू द प्रोस्पेक्ट, जो प्रोस्पेक्ट जिसको बेच करने उसके अंदर तक पहुंचने के लिए वो जो उसका ट्रिगर पॉइंट होता है जिसमें आप टच करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, वो जाते हैं थ्रू सोशल मीडिया। और देखो आप हर टॉप लेवल का शख्स जो है ना सोशल मीडिया में मौजूद है, आप वहां पे जाके उसको चेज करें, उसको टेस्ट करें, देखें उसकी जॉब चेंजेस कहाँ पे हो रही है, उसकी प्रमोशंस कहाँ पे हैं, उसके न्यू मेंशन, उसने क्या क्या काम किया हुआ है, उसके पर्सनलाइज सेटअप को देखें, उसकी वर्थ को देखें, तो यकीन करें आप बिजनेस भी देख लेंगे और उसको बाहर को जान भी जाएंगे। अगर ये काम करेंगे तो अगला काम फिर शुरू होता है, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो दूसरा बात यह है इसमें फाइंड कॉमन ग्राउंड का मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें। बड़े शांत तरीके से बात करूंगा, कॉमन अंडरस्टैंडिंग में क्या है, मोस्टली लोग क्या कह रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है, लोग बातें क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस के बारे में लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये कहूंगा कि मतलब के मुख्तलिफ एंगल के साथ इंश्योरेंस के अंदर आप जब डील करते हैं तो लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बड़ी होती है। तो कभी आप उस अंडरस्टैंडिंग को जब टच करेंगे तो फिर आप बड़ी जल्दी कैच कर पाएंगे। थोड़ी सी आप उस दरमियान में उनके साथ जब मीटिंग करते हैं ना, मिलते हैं, तो आपको ऐसी सी गुफ्तगु करनी है, प्लानों के ऊपर मत जाया करें, आइडियाज के ऊपर जाया करें उनके साथ। जब आइडिया सेल होता है ना तो म्यूचुअल में फॉर एग्जाम्पल लाइक माइंडेड लोग होते हैं, एग्जाम्पल आप में एक अरबपति लोग हैं तो उसके लाइक माइंडेड लोग होते हैं, 2, 4, 6 की अगर आपके साथ अंडरस्टैंडिंग डेवेल्प है तो चौथा बंदा भी डेवलपमेंट पे आ जाएगा, पांचवा भी आएगा, छठा भी आएगा, इस तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग सुकून से बढ़ती जाएगी, अंडरस्टैंड। और लास्ट बात क्या है, सेल्स प्रोफेशनल जो है इनकी एक्सपर्टीज और अपनी इंडस्ट्री का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये लंबी चौड़ी बातें नहीं मैं आपके साथ कर रहा, बड़े ही आम बातें अभी आपके साथ कर रहा हूं। आपकी एक्सपर्टी क्या है, आपने बड़े सेटअप में जाना तो आपके एक्सपर्ट, सबसे पहले तो सेल्स प्रोफेशनल बने आप, जब प्रोफेशनल है तो फिर आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए, आपकी आपकी जॉब की एक्सपर्टीज होनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट की एक्सपर्टीज होनी चाहिए, आपकी सेलिंग टेक्निक आपके पास होनी चाहिए, आपके पास क्लोजिंग टेक्निक होनी चाहिए, ओपनिंग टेक्निक्स है, ये सारी टेक्निक्स यू शुड नो अबाउट दिस, फिर जाके आप बड़े सेटअप को टच कर सकते हैं। फिर इंडस्ट्री का अगर नॉलेज ना हो, मेरे अपने मेरे अदारे के बारे में मुझे ईच एंड एवरीथिंग शुड नो अबाउट, आपको साथ साथ बार बार जैसे कहते हैं ना आज बार करना, उसको रटा लगाना, वो बार बार चीजें देखेंगे कि आपके आपके एसेट्स कितने हैं, आपके लाइफ फंड्स कितने हैं, आपके प्रॉफिट रेशियोज क्या हैं, आपके मतलब के अदारा का ट्रेंड क्या है, लास्ट
20 ईयर का ट्रेंड क्या है, 5 ईयर का ट्रेंड क्या है, तमाम चीजों के ट्रेंड्स क्या है, जब आपको ये मालूम होंगे तो आसान तरीके के साथ लोग जो है ना वो आपको आपकी बात को समझेंगे। कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस डिसीजन मेकर्स पता क्या करते हैं, 62% मोस्टली लोग जो है ना वो आप लिंक्डइन की तरफ जाकर प्रोफेशनल लोग मिलते हैं, वहां पे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, वहां पे आपकी एक्सपर्टीज हासिल हो सकती है। और 86% लोग जो है ना वो जो एंगेज करने हैं आप लोगों को एंगेज करते हैं, यहाँ ये फैक्टर भी है, हम मोस्टली हम इस साइड पे सोशल नेटवर्क की तरफ मूव ही नहीं करते, सोशल सेटअप की तरफ जब जाएंगे तो आपको बड़े ही लिंक्डइन मिलेगा, इस तरीके से जो प्रोफेशनल फोरम है वो मिलेंगे, तो इसके थ्रू भी आप 86% लोगों की एंगेजमेंट कर सकते हैं, आप उनके नॉलेज को समझें, उनकी इंडस्ट्री को समझें, जब दूसरों को समझेंगे तो आपको अपनी प्रोडक्ट को बेचने में बहुत आसानी होगी। दिस इज अ वेरी इजी एंड लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको। होप द बेस्ट, इंशाल्लाह दिसंबर बहुत अच्छा क्लोज होगा आपका, और मेरी दुआएं आपके साथ है, मैं साथ साथ चाह रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान के साथ चाह रहा हूँ, हर शख्स के साथ चाह रहा हूँ। अभी इसको अंडरस्टैंड करें, प्लीज फीडबैक लाजमी दीजिएगा, फीडबैक के अलावा अपने तमाम एहसास तक तमाम तक इसको पहुंचाना आपका फर्ज है, जो मैं कर रहा हूँ तो उसके बाद आपका दूसरा फर्ज शुरू होता है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज, कीप स्माइल ऑन योर फेसेस, डोंट फॉरगेट टू स्माइल, थैंक यू वेरी मच।